लोग छुट्टियों में भारत के खूबसूरत पर्यटन पर घूमने के लिए जाते हैं। भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत घूमने की जगह है जहां पर लोग अपने परिवार सहित खूब मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत में कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर भारतीय लोगों को घूमने नहीं दिया जाता है। आइए बताते हैं आपको उन जगहों के बारे में। यूनो इन होटल, बेंगलोर में स्थित यूनो इन होटल, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी, ज्यादातर यहाँ पर जापानी लोग घूमने के लिए आते हैं। कहा जाता है पहले इस होटल में भारतीय लोग भी आते थे, लेकिन जापानियों के साथ भेदभाव करते देख भारतीयों का यहां आना बैन कर दिया। फ्री कसौल कैफे, फ्री कसौल कैफे एक बीच है जो कि गोवा में मौजूद है। कहा जाता है यहां पर भी भारतीय लोगों को आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहां पर विदेशी महिलाएं बिकनी पहनकर एंजॉय करती हैं और भारतीय लोग उनको अश्लील नजरों से देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। ब्रॉडलैंड होटल, ब्रॉडलैंड होटल जो कि दक्षिण भारत के चेन्नई में काफी फेमस होटल है। इसके बारे में कहा जाता है कि पहले समय में एक राजा की रियासत था, परंतु अब इसमें केवल विदेशी लोगों को ही घुसने दिया जाता है, क्योंकि एंट्री से पहले पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां लोगों का जाना किसी खतरे से कम नहीं है। यहां के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर चीन के कुछ घुसपैठियों ने अपना डेरा डाल रखा है, इसलिए यहां लोग कम ही जाते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।